आगे दबाव देने की आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद वाजपेयी जी। इसके बाद माननीय अजय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, सदन के सदस्य माननीय मनोज झा जी ने जो प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया है देखने और सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन व्यवहारिक कसौटी पर अगर उस प्रस्ताव को हम कसते हैं तो प्रस्ताव बहुत सामयिक नहीं लगता है। यह बात सही है कि स्वस्थ शरीर को हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म में हमेशा प्राथमिकता दी गई है, और इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधना का माध्यम शरीर है, इसलिए स्वस्थ शरीर होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि ईश्वर का वास स्वस्थ शरीर में ही होता है। मैंने पढ़ा है एक प्रसंग में कि एक किशोर स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है, उनसे अध्यात्म जानने और सीखने की इच्छा प्रकट करता है। स्वामी विवेकानंद उसको देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। वह नौजवान, कहने को नौजवान था लेकिन हड्डियों का ढांचा था। उस नौजवान को उन्होंने सीख देते हुए कहा कि अभी तुम्हारा शरीर जो है अध्यात्म जानने सीखने लायक नहीं है। तुम सामने मैदान में जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उनके साथ जाकर फुटबॉल खेलो, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ, और जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा तब तुम अच्छी तरीके से अध्यात्म को जान भी पाओगे और सीख भी पाओगे। इसलिए शरीर के महत्व को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है देश की, उस परिस्थिति में जो स्वास्थ्य का अधिकार विषय यहाँ पर मनोज जी प्रस्तुत कर रहे हैं उस विषय की मैं बहुत आवश्यकता नहीं समझता हूँ। इस प्रस्ताव के माध्यम से हमारे साथी मनोज जी जिस समाज की रचना की कल्पना कर रहे हैं, जिस समाजवादी समाज की रचना की कल्पना कर रहे हैं, हम दुनिया पर दृष्टिपात करें तो ये समाजवादी विचार पूरी तरीके से फेल हो गया है। दुनिया के अगुआ देश जो समाजवाद की अगुवाई किया करते थे, आज भी वो केवल नाम मात्र के समाजवादी रह गए हैं। कृति रूप में, विचार रूप में उनमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। हम लोगों ने जब छोटे छोटे थे तो अपने समाजवादी मित्रों के नारा सुना करते कि धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता अपना रहेगी, लेकिन व्यवहार रूप में देखें तो जैसे हमारे बुजुर्ग साथी अभी कह रहे थे कि धन और धरती तो नहीं बटी है, उनका समाजवाद उनके परिवार तक ही सीमित रह गया, उसी तरीके से यह विषय भी है। यह विषय भी व्यवहारिक धरातल पे खरा नहीं उतरेगा। मैंने अपने मित्र अनिल जी को भी सुना, उन्होंने भी बहुत व्यवहारिक बात कही है कि हमारा भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील देश के साथ साथ एक बहुत बड़ी आबादी है। इन दोनों परिस्थितियों का अगर हम विवेचना करें तो आज की परिस्थिति में कुछ हमारी सीमाएं, केवल अधिकार देने भर से नहीं होता है। अगर हम कानून बनाते हैं, अधिकार बना देते हैं, तो उसको हमको लागू भी करना चाहिए, तो ही हमारी सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो कायम रखती है, हमारी व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी कायम रहती है। हमने अधिकार बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन अगर व्यवहार रूप में वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है तो हमारा जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोएगा,
हमारी सरकार भी अपनी साख खोएगी। इसलिए व्यवहारिक धरातल पर हर चीज को मोल तोल करके व्यवहारिक कसौटी पर परख कर ही हमको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम स्वास्थ्य के अधिकार के संदर्भ में कानून बनाने के पक्ष में भले न हो, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का मामला है, देश के स्वास्थ्य का मामला है, तो मोदी सरकार हमेशा से गंभीर रही है। हम स्वास्थ्य के अधिकार को स्वीकार भले न करते हों, लेकिन हमने उस क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश की है, उन क्षेत्रों की कमियां दूर करने की कोशिश की है, जिसके कारण हमारे देश का स्वास्थ्य, हमारे देश के वासियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और उन कमियों को पहचान करके उसका निराकरण भी दिया है, उसका समाधान भी दिया है। मैं उसकी और अपने साथियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहां जब बच्चा गर्भ में आता है तो कमजोर शरीर के कारण बहुत सारी माताओं का गर्भपात हो जाता था, समुचित देखरेख के अभाव में बहुत सारी माताओं का जो गर्भधारण का समय है वो कुशलता पूर्वक नहीं गुजरता था। आज पूरे देश में हमारी मोदी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का एक संजाल खड़ा किया हुआ है। हर गांव में 2-3-4 आशा कार्यकर्ताएं नियुक्त हैं, जो गांव की एक एक गर्भवती बहन का, एक एक गर्भवती माता का लेखा जोखा रखती हैं, उनके समय की जानकारी रखती हैं, समय समय पर उनको जो भी औषधि चाहिए, जो भी दवाइयां चाहिए। रक्त अल्पता के बहुत मामले आते हैं हमारे हिंदुस्तान में, खून बढ़ाने वाली दवाइयां, आयरन की गोलियां, फोलिक की गोलियां, वो आशा कार्यकर्ता बराबर केयर करती है। और केवल इतना ही नहीं, जब प्रसव का समय आता है तो आशा कार्यकर्ता उसके साथ जाकर अस्पताल में 3 दिन रहकर उस प्रसववती बहन की सेवा करती है, और प्रसव के उपरांत जब वो माता अपने घर में सकुशल आ जाती तब जाकर ही हमारी उस आशा कार्यकर्ता बहन को उसका जो मेहनताना है, उसका जो पुरस्कार है, वो प्राप्त होता है। और इसके कारण हमने देखा है कि गर्भावस्था के कारण और प्रसव के अवसर पर जो मातृ मृत्यु दर थी उसमें भारी गिरावट आई। 108 एम्बुलेंस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हमारे देश में पहले संस्थागत प्रसव बहुत कम था, लगभग 18-20% 25% तक अलग अलग प्रांतों की अलग अलग स्थिति हो सकती है। हमारे डॉक्टर साहब ने केरल की प्रशंसा की, हो सकता है केरल में कुछ बेहतर रहा हो संस्थागत प्रसव, लेकिन अमूमन पूरे हिंदुस्तान में संस्थागत प्रसव बहुत कम हुआ करता था। परिस्थिति ऐसी थी कि माताएं अपने बच्चों को जन्म घर की किसी अंधेरी कोठरी में दिया करती थी। अंधेरी कोठरी की जो स्थिति हुआ करती थी वो कल्पना से परे थी, आज हम कल्पना नहीं कर सकते, बड़ी अस्वच्छ कर स्थिति हुआ करती थी। गांव में कुशल दाई तक नहीं मिला करती थी, इस देखरेख के अभाव में कई बार शिशु की मौत हो जाती थी, कई बार माता की मौत हो जाती थी। इस संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए आशा कार्यकर्ता के साथ साथ 108 एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया। आज आप किसी भी कोने से 108 नंबर डायल करिए, एम्बुलेंस आपके घर पे आएगी और उस प्रसववती माता को आशा कार्यकर्ता के साथ हॉस्पिटल तक ले जाते हैं और सकुशल वहां पर डॉक्टरों की देखरेख में, कुशल नर्सों की देखरेख में उसका प्रसव होता है। और इसके कारण भी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। प्रसव के उपरांत हमारे डॉक्टर साहब ने आयुष्मान कार्ड की बहुत सारी श्रेणियों का उल्लेख किया है। वो श्रेणियां ऐसी हैं कि जब तक ये आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था नहीं हुई थी, जब तक मोदी सरकार इस देश में शासन करने के लिए आगे नहीं आई थी, तब तक ऐसी परिस्थितियां थी कि आज प्रसव हुआ है और तीसरे दिन माथे पर पट्टी बांधकर वो मजदूर माता, वो दिहाड़ी पर काम करने वाली माँ, वो सफाई कर्मी माँ,
वो कमजोर वर्ग की माँ जिसको रोज कमाना पड़ता है, रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है, वो इंतजार नहीं कर सकती थी। तीसरे दिन ही काम करने के लिए उसको काम करने के स्थान पर जाना पड़ता था। अपने बच्चे को लेकर जाती थी तो साड़ी के पालना में झुला देती थी, मजदूर माताएं मेड़ पे झुलाकर उनको बच्चों को रख दिया करती थी, उनकी मजबूरी थी। और प्रसव के उपरांत जो पौष्टिक आहार उनको चाहिए था वो तो स्वप्न की बात हुआ करती थी। लेकिन आज सरकार के द्वारा व्यवस्था है, हम लोग तो अपनी बघेल खंडी में कहते हैं कि मोदी जी अपने बहनिन खातिर और अपने बिटियन खातिर या प्रसव के उपरांत या गुड़ और सोंठ खातिर पैसा भिजवा ही नहीं। और उन मजदूर माताओं को अब काम करने की जरूरत नहीं, उनको एक महीने की छुट्टी देने का प्रावधान है। और केवल उन्हीं भर को प्रावधान नहीं किया हुआ है, उनके पति को भी कहा गया है कि तुमको भी 15 दिन की हम मजदूरी देंगे, तुम भी मत जाओ, तुम अपनी पत्नी की सेवा करो। और ये बिना स्वास्थ्य के अधिकार के नियम के तहत किया है, कानून के तहत किया है। जब कोई बीमार होता था तो महंगी दवाइयों का एक प्रसंग आता है और कई लोगों ने इसका जिक्र भी किया है, जेनरिक दवाइयों का। मोदी सरकार आने के पहले जेनरिक दवाइयों के बारे में कौन जानता था? दवाइयों की महंगाई को लेकर चारों तरफ हाहाकार रहा करता था। अब उसको सॉल्यूशन दिया जेनरिक दवाइयों के माध्यम से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी उन्हीं स्टोर पर मिलते हैं, वो भी सस्ते हो गए हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अब दवाई आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं है, सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में हमारे सभी मित्रों ने जिक्र किया है, आयुष्मान कार्ड ने तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। छोटी मोटी दवाइयों, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो किसी प्रकार हो जाया करता था, लेकिन अगर किसी परिवार में गंभीर बीमारी आ जाती थी परिवार के किसी सदस्य को, तो उस परिवार पर कहर टूट पड़ता था, हाहाकार मच जाता था। कैंसर जैसी बीमारी अगर किसी परिवार के सदस्य को हो जाती थी तो वो सदस्य तो जाता ही था इस दुनिया में, जो लोग इस दुनिया में रह जाते थे परिवार के अन्य लोग, वो भी बर्बाद हो जाते थे। जमीन बिक जाती थी, भड़वा बर्तन बिक जाता था, गहना जेवर बिक जाता था। और ऐसी गंभीर बीमारियों के कारण अच्छे खासे खुशहाल परिवार हाहाकार कर उठा करते थे। Now time is. Are you raising point of order? Yeah, I have an objection because. What about the objection? Objection is a lengthy speech he is making. Huh? You are allowing to other speakers. You couldn't give the time properly. I mean, not you, the chair. They said the same time of the discussion time. That is why I am objecting. You cannot raise any objection on the decision of the chair. Please continue, please. इस आयुष्मान कार्ड के बारे में हमारे कुछ विपक्षी साथियों ने आलोचना करते हुए अनेक तरीके की बातें की हैं। आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सदन के माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूँ कि इस आयुष्मान कार्ड के कारण कई परिवारों की जिंदगी बदली है। अगर आयुष्मान कार्ड के प्रभाव को देखना चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड के कारण परिवार आज किस हालात में पहुंचे हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आइए मेरे गृह जिले में आइए, मैं 1000 आयुष्मान कार्ड धारकों का सम्मेलन कराऊंगा, उनसे उनको मिलवाऊंगा, जिनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मदद मिली है, उनके परिवार के प्राणी की रक्षा हुई है। और अगर पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए तो करोड़ों लोग आज सच्चे दिल से मोदी जी को दुआ देते हैं। और कहा जाता है कि कई बार दवा से भी ज्यादा असर दुआ का होता है। आज मोदी सरकार की चारों तरफ वाही वाही हो रही है, मोदी जी को जो हर बात का श्रेय मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मोदी जी सब काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छे काम के साथ साथ ये इस तरीके से करोड़ों लोगों की दुआ भी मोदी जी के साथ है, जिसके कारण मोदी जी को ये प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है कि दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाएं, दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चर्चा कर ले हमारे अनेक साथियों ने कहा, मैं भी उस बात पर बल देना चाहता हूं
कि स्वास्थ्य सेवाओं को जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मोदी जी के आने से पूर्व हम चाहकर भी अच्छी सेवाएं नहीं दे सकते थे। जब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो कैसे इलाज होगा। मोदी सरकार ने पहचान किया कि ये क्षेत्र है, इसकी कमी के कारण हमारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम मेडिकल कॉलेज खोले। मोदी जी का यह लक्ष्य है कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला प्रारंभ किया, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में हम प्रतिवर्ष 1 लाख से ऊपर नए डॉक्टर तैयार करेंगे। जो इलाज के लिए भर्ती होते हैं मरीज, उनकी सेवा करने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता, उसकी कमी थी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी, पैथोलॉजी की कमी थी, टेस्टिंग की कमी थी। इन सारे क्षेत्रों में मोदी जी ने सुधार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ाया है, अध्ययन केंद्रों को बढ़ाया है। इसका परिणाम है कि अब बड़ी तेजी से संख्या बढ़ रही है। जो मानव संसाधन की कमी थी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, उसकी पहचान करके मानव संसाधन को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, और शनि शनि ये पूर्ण हो रहा है। आने वाले दिनों में हमको इस क्षेत्र में बहुत पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होगा। और केवल मानव संसाधन ही नहीं, हॉस्पिटल्स की कमी थी, बेड की कमी थी, इसको भी पहचाना मोदी सरकार ने, और हॉस्पिटल्स और बेड की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने पर्याप्त संख्या में जगह जगह पर केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया नए नए हॉस्पिटल खोलने के लिए। एम्स का उदाहरण हम देते ही हैं कि पहले एक एम्स हुआ करता था, अटल जी ने 1 से 6 एम्स किए और 6 से 22 एम्स हो रहे हैं। आने वाले दिनों में एम्स की श्रृंखला यहीं पर नहीं रुकने वाली, और बढ़ने वाली है। और एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मानक है, अगर क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए हमको तो कैसा चाहिए, एम्स उसका मानक है। अब 22 एम्स हो गए, यानी कि 22 ऐसे संस्थान हो गए जो देशवासियों को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। केवल क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, जो गंभीर बीमारियां, गंभीर बीमारियों को सस्ता और अच्छा इलाज दे रहे हैं। पहले भी हो सकता था ये, लेकिन पहले कभी विचार नहीं किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया और मानव संसाधन पर भी ध्यान दिया। और इसके अतिरिक्त हमारे वाजपेयी साहब जी ने बहुत अच्छी बात की है कि अभी तक ज्यादा जो चर्चा केंद्रित रही है वो क्यूरेटिव मेजर्स पर केंद्रित रही है कि व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका इलाज कैसे हो, इलाज करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। मैं प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ भी इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर बीमारी होती क्यों है। बीमारी जिसके कारण होती है, जहां पर होती है, उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। बीमारी होती है, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी साधारण बात थी कि साफ पानी लोगों को पीने को नहीं मिलता। जिस मौसम में समय पर है, ये सावन का महीना चल रहा है, आषाढ़ सावन भादों के महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में हैजा और कालरा जैसी बीमारी से 5-5, 10-10, 15-15 मौतें होना बड़ी स्वाभाविक बात थी। हमारे झा साहब भी स्वीकार करेंगे, वो भी बिहार के हैं, ऐसी स्थिति बिहार में भी रही होगी, लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं किया गया कि पानी के कारण अगर लोगों की इतने बड़े पैमाने पर मौत हुई होती है तो पानी को भाई शुद्ध करो, शुद्ध पानी लोगों को मिले। पानी के शुद्धिकरण से अगर लोगों की जान बचाई जा सकती है तो इस व्यवस्था पर पहले क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए मोदी जी ने हर घर को नल से जल यह व्यवस्था लागू की है, बड़ी तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले 2-4 सालों के अंदर हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचेगा। इसका अर्थ है हिंदुस्तान के प्रत्येक घर को, प्रत्येक घर के प्रत्येक निवासी को शुद्ध और साफ जल पीने को मिलेगा, और गंदे पानी के कारण जितनी बीमारियां होती थी उसको हम बड़े पैमाने पर रोकने में सफल होंगे। और केवल इतना ही, मैं सड़क तक की बात करना चाहता हूं। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की और मोदी जी ने उस क्रम को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान के सुदूर गांवों को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ दिया। लोग कहेंगे कि भैया स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, मैं सड़क की बात कर रहा हूं। इसलिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी अखबारों में चित्र देखे होंगे, आप लोगों को भी अनुभव होगा कि अगर इस मौसम में
पहले जहां सड़कें नहीं हुआ करती थी, अगर कोई बीमार हो जाता था तो डोली या खटोली में लोकपाल लाद कर अस्पताल तक पहुंचाते थे। अगर इस मौसम में कोई प्रसववती बहन है तो उसको किस तरीके से अस्पताल तक पहुंचाया जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से 108 एम्बुलेंस भी मिलती है, और 108 एम्बुलेंस अगर नहीं पहुंच पा रही, किसी कारण से अगर नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो लोगों के पास अपने संसाधन, उस संसाधन के माध्यम से बड़ी आसानी से 5 मिनट 10 मिनट के अंतर पर। इन सड़कों के कारण, आज बीमारियों को सक्षमता पूर्वक इलाज करने के लिए पहुंचाया जा सकता है, मरीज की पहुंच बढ़ी है। सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। सर, which rule, order, sir? Which rule? I'm telling you. There is a limit. Tell me the rule. Please sit down. Please. He has a point of order. 258, sir. 258 is a general rule. No, no, no. Last 258 is a general rule. Arbitrary decision was taken. 258. Private member business was what? Listen to me. Listen today, to me. Listen to me. My colleagues will need to come up. Listen now. To me. And instead of that, no, no. The ruling party is you have mentioned the wrong rule. You have mentioned the wrong rule. There should be a fair play. You have mentioned the wrong rule. Listen to me. There should listen be a fair to me. Play. Sir, you pick up any rule. It's a wrong rule. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. It's a wrong rule mentioned by him. Will you listen to me? Will you listen to me? Will you listen to me? Will you listen to me, please? Please listen. No, no, please listen. Please listen. Mr. Shiva, please listen. Please cool down. Listen to me. Rule 258 is a general rule to raise a point of order. But in relation to which rule you are objecting, that rule is to be mentioned, which you have not done. That is why your point of order is not entertained. Now, I am requesting the Honorable Minister, Honorable Member, to conclude your speech. Please. 2 minutes, sir. Please cool down. A healthy discussion is going on health. It's a healthy discussion on health. All of us concerned. तो बिजली के माध्यम से सिद्धांत प्लीज कंटिन्यू। गांव-गांव घर-घर पहुंच गई, हर जगह बिजली पहुंचने का ये असर हुआ है कि उसके माध्यम से अब इलाज करना भी आसान हुआ है, और लोगों की जो जिंदगी है वो जिंदगी आसान हुई है, और जिंदगी आसान हुई तो बीमारियां भी कम पैदा हो रही है। सिद्धांत प्लीज सिद्धांत other than what has been spoken by Mr. Ajay Pratap Singh, no other comments will be on record. आप बोलते रहिए, बोलिए। माननीय उपसभापति महोदय, बीमारियों का एक प्रमुख कारण ये था कि हमारे जीवन बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मोदी सरकार ने आम आदमी के जीवन स्तर में जो परिवर्तन किया है उसका असर भी उसके स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। अब बड़ी छोटी सी बात है कि कोरोना की एक महामारी आई, और उस महामारी के समय पर चारों तरफ आपाधापी फैली, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर। लोगों को अच्छा भोजन, लोगों को अच्छा जीवन स्तर, लोगों को अच्छी सुविधा देने के माध्यम से भी स्वास्थ्य का बहुत सारा अंतर आया है, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो स्वास्थ्य अधिकार का जो विधेयक प्रस्तुत किया है मनोज झा जी ने, आज के समय पर अप्रासंगिक है, अनावश्यक है, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बिना इसे विधेयक के, बिना इस अधिकार को प्रदान किए हुए भी
बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्हीं व्यवस्थाओं को और अच्छा तरीके से लागू करने में अगर हमारे विपक्षी साथी भी सहयोग करेंगे तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में भी निखार आएगा और आम आदमी की जो औसत आयु है, औसत जिंदगी है, वो और बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद धन्यवाद। नाउ द ऑनरेबल मिनिस्टर टू रिप्लाई।